बिग बॉस के घर हुआ नॉमिनेशन टास्क। तो क्या दोस्ती दिखावे के लिए है? दो कंटेस्टेंट्स पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार। नॉमिनेशंस में बचने की खातिर होगा उन्हीं रिश्तों का कड़ा इम्तिहान। बिग बॉस के घर जहां एक और बीवी अदालत की जज फराह खान ने किया घर के एक सदस्य को नॉमिनेट, वहीं बिग बॉस ने दिया एक टास्क जहां कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हुए बचाना होगा उन्हें नॉमिनेशन से। उस टास्क के दौरान अभिनव शुक्ला को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एली गोनी को जैस्मिन की डॉलू को करना था कुर्बान, जिसे एली ने कर दिया अभिनव के लिए कुर्बान और बचा लिया उसे नॉमिनेशन से। उसी के साथ साथ निकी दामोली ने जान के लिए अपनी फेवरेट बैंकेट को कर दिया कुर्बान। जान को मिला एजाज को नॉमिनेशन से बचाने का मौका, जहां जान ने अपनी फैमिली फोटो को डिस्ट्रॉय कर एजाज खान को बचा दिया नॉमिनेशन से। एजाज खान ने पवित्र पुनिया के लिए दे दी अपने सबसे करीबी उनके डॉग के फोटो फ्रेम की कुर्बानी, जिसे तोड़कर उन्होंने बचा लिया पवित्र पुनिया को नॉमिनेशन से। लेकिन जैस्मिन और रुबीना के बीच खड़ा होता नजर आया धर्म संकट। एली को नॉमिनेशन में डालकर जैस्मिन रुबीना को कर सकती थी सेव। दोनों दोस्तों के बीच फंसी जैस्मिन ने अपनी दोस्त एली का दिया साथ और रुबीना को कर दिया नॉमिनेट। अब खबरों की माने तो इस हफ्ते जो सदस्य सेफ हुए हैं वो है एजाज खान, पवित्र पुनिया, जान शानू, निकी तांबोली, एली गोनी, अभिनव शुक्ला, कविता कौशिक, राहुल वेद्य और जैस्मिन भासिन। वहीं नॉमिनेशंस का खतरा है शरदुल पंडित और रुबीना दिलैक पर। शरदुल को घर में लगी अदालत की जज फराह खान ने किया नॉमिनेट। वहीं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन टास्क के दौरान जैस्मिन के एली को बचाने से रुबीना दिलैक हो गई नॉमिनेशन। वहीं अब खबरों के मुताबिक इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो लोग नॉमिनेटेड हुए हैं वो है रुबीना दिलैक और शरदुल पंडित। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस का एक बार फिर से सीन को पलटते हुए आएंगे नजर और कौन सा होगा वो सदस्य जो कहेगा घर को इस बार अलविदा। वेल, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।